television. महात्मा गांधी दुनिया भर में काफी मशहूर है और आज भी कई उनके अनुयायी हैं जो उनके द्वारा सुझाए मार्ग पर ही चलते हैं। एक साधारण से आदमी से महात्मा बनने तक का उनका सफर काफी प्रेरणादायी है। भारत को आज़ादी दिलाने में उनकी अहम भूमिका है और उनके द्वारा किए गए कामों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में उन्हें अपने अपनों से बहुत दुख मिला है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण गांधी जी दुखी हुए? आस्था और धर्म में अटूट विश्वास रखने वाले महात्मा गांधी उस समय काफ़ी दुखी हुए जब उनके बेटे ने हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम अपनाने का फैसला किया। उनके बेटे हरिलाल गांधी के इस फैसले से गांधी जी काफ़ी दुखी हुए थे और उनकी पत्नी कस्तूरबा भी काफ़ी दुखी हुई। हरिलाल का जन्म 1888 में हुआ था। वह इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी को लगा कि विदेशी पढ़ाई के सतह देश में अंग्रेज़ों का विरोध करना सही नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को विदेश में जाने से रोका। विदेश जाने से रोकने के इस फैसले के बाद साल 1911 में हरिलाल ने गांधी परिवार से अपने सभी पारिवारिक रिश्ते तोड़ दिए और इस्लाम अपना लिया, लेकिन ये बात कम ही लोगों को पता होगी। हरिलाल ने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर अब्दुल्ला रख लिया। इतना ही नहीं, इस्लाम अपनाने के बाद वे नमाज पढ़ने भी जाते थे। उनके इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उनके माता पिता बहुत दुखी हुए थे और उन्हें ये भी चिंता थी कि कहीं वो मांस आदि का सेवन ना करने लगे। हरिलाल के इस्लाम धर्म कबूल करने के कुछ समय पश्चात ही उन्होंने वापस हिंदू धर्म अपना लिया था, लेकिन फिर भी उनके पिता महात्मा गांधी इस बात से काफ़ी दुखी हुए थे। हरिलाल की ज़िंदगी पर आधारित एक फिल्म गांधी माय फादर भी बन चुकी है।